lot of Pakistani influencer, lot of Pakistani YouTuber, जब एक गाना रिलीज होता है मेरा और मेरा ट्रेलर रिलीज मिल के कुछ करना चाहेंगे या आपकी मूवीज पाकिस्तान में रिलीज हों। हाँ, हम लोग अब तो प्लानिंग कर रहा है वो पाकिस्तान में। यहाँ जी हम बात करेंगे शकीब खान के बारे में। बांग्लादेश का सुपर हीरो शकीब खान पाकिस्तान में मूवीज बनाना चाहता है, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके साथ काम करना चाहता है। यहाँ पे शकीब खान ने पाकिस्तानीज का नाम लिया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में बात की है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स उनके बारे में क्या बात करते हैं। बिकॉज काफ़ी लंबे अरसे तक मैं भी शकीब हसन बार बार मुँह पे आता है, शकीब खान की जो मूवीज़ हैं उनके रिव्यूज़ करती रही हूँ और आई एम श्योर उन्होंने मेरा भी कोई रिव्यू देखा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बकायदा यूट्यूबर्स का जो नाम है वो लिया है, क्या कहा है उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में, और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो विश है वो जाहिर की है कि यार वो भी पाकिस्तान आना चाहते हैं और सोन वो पाकिस्तान आएंगे और अपनी मूवी को पाकिस्तान में भी रिलीज़ करवाएंगे। अभी आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करते हैं क्या कहा है उन्होंने, वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और दुबई में आज जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं, बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं शाकिब खान, प्रोड्यूसर भी हैं और ये एक एक्टर भी हैं और इन्होंने ना सिर्फ दुनिया में क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स के साथ भी काम किया है और आज यहाँ पर दुबई में सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इनको UAE गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है, उस पर बात करेंगे और इनकी जो फिल्म रिलीज हुई है इस साल अपकमिंग फिल्म पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू वर्ड्स अबाउट UAE एंड दुबई, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव अ गोल्डन वीज़ा एंड फर्स्ट बांग्लादेशी फिल्म एक्टर हु रिसीव्ड अ UAE गोल्डन वीज़ा। First of all, I would like to thanks UAE government, Dubai government, and they give me so much honor. I'm feeling so much honor now, and I'm so happy to say, and I'm loving to stay here. I'm very much loving to stay here, and our community and Pakistani community to love to stay here. And Dubai is a wonderful city. We know Dubai is so wonderful. Dubai is everything is excellent. Everything, every part. Dubai has own beauty. Yeah, and Dubai has own fantastic its own beauty. That's why people are coming to stay here, people are coming to do some business here, people are coming to live here with family. That's the beauty of Dubai. And what about your film career? Like, अगर मैं उर्दू ऑडियंस है तो उर्दू में थोड़ा बात करूँ, आप अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ भी आपने कुछ काम किया है, शबनम है, नदीम है, अगर पीछे चले जाएँ हम 90s में तो आप एक कामयाब सुपरस्टार हैं बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में, तो कैसा लगेगा अगर फ्यूचर में भी कोलैबोरेशन हो पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, कुछ मिल के कुछ करना चाहेंगे या आपकी मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ हों? हाँ, हम लोग अब तो प्लानिंग कर रहा है वो पाकिस्तान में मूवी रिलीज़ करने के लिए। हम लोग तो एक साथ बहुत काम किया, हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत एक साथ काम किया था। वो शबनम मैडम शीज़ लिजन इन पाकिस्तान, शीज़ लिजन इन बांग्लादेश ऑल्सो, तो नदीम जी, तो बहुत आर्टिस्ट ने बांग्लादेश में काम किया, बहुत आर्टिस्ट ने पाकिस्तान में काम किया। तो हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं बंगला फिल्म कैसे पाकिस्तान में रिलीज़ कर सकते हैं। और हम एक बात देखा, लॉट ऑफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, लॉट ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर, जब एक गाना रिलीज़ होता है मेरा और मेरा ट्रेलर रिलीज़ होता है, बहुत सारा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रिव्यू करता है, उस पर रिएक्शन देते हैं, उसमें रिएक्शन देते हैं। दैट्स वाई हम लोग प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान में कैसे मूवी रिलीज़ कर
कर सकूँ पाकिस्तान में, कह सकूँ भी। सो तूफान जो पिक्चर चल रहा है अभी वो रिलीज़ करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं हम, और जो पिक्चर आ रहा है सामने सितंबर में दर्द, वो कैसे रिलीज़ कर सकता हूँ हम लोग, वो प्लानिंग कर रहा है। और हम लोग एक साथ भी काम करना चाहते हैं, हम लोग मूवी में तो म्यूज़िक भी है, हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री, हमारा मूवी इंडस्ट्री, हम लोग कैसे फिर से एक साथ काम कर सकूँ, फिर से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग एक साथ काम करें। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी पूरी दुनिया में मानी जाती है, पाकिस्तान ड्रामा में काम करना या पाकिस्तान विजिट करने का कोई फ्यूचर में प्लान है? डेफिनेटली एक साथ काम करूंगा तो एक साथ पाकिस्तान में विजिट करूंगा, पाकिस्तान से वो एक्टर एक्ट्रेस वो सिंगर सब बांग्लादेश में विजिट करेंगे, हम लोग एक साथ ही फिर से स्टार्ट करेंगे। एनी पाकिस्तानी फिल्म एक्टर ड्रामा एक्टर योर फेवरेट और यू लाइक, उनका काम आपको अच्छा लगता है? पाकिस्तानी तो बहुत है, फवाद खान है, वो शान जी है, शान जी है आपके, सो बहुत एक्टर एक्ट्रेस है। सो अभी तो पाकिस्तान के सीरियल का बहुत एक्टर एक्ट्रेस है, जो हम लोग उधर का प्रोड्यूसर लोग डायरेक्टर हम लोग प्लान कर रहे हैं इसके साथ ये पिक्चर करना चाहिए, उसके साथ ये हम लोग मिल के करे, चलो नज़र होती है। हाँ, बहुत एक साथ फिर से हम लोग वेरी सून काम करेंगे। चले बहुत शुक्रिया शाकिब खान हमारे साथ मौजूद थे, और वो जल्द पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अदाकार और अदाकारों के साथ काम करने का इरादा भी रखते हैं, और जल्द इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। अगले मेहमान तक लिए इजाज़त दें। ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, शाकिब खान का क्या कहना है। इन्होंने तो यहाँ पे शबनम की बात की जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ वहाँ जाती रहती हैं, और यहाँ इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तान में जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, और इन्होंने कहा है कि इनकी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में ये अपनी मूवी, अपनी न्यू मूवी पाकिस्तान के अंदर भी रिलीज़ करेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ ये बात सुन के। और यहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं, या उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली डेफिनेटली वो पाकिस्तान आएंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। शाकिब खान अगर पाकिस्तान आते हैं तो यार क्या बात होगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो है बेहतर हो सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो, लोगों का आपस में जो कनेक्शन है वो भी बिल्ट हो सकता है। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्पेशली मैं वो यूट्यूबर्स जो मेरी मूवीज़ के ट्रेलर्स रिव्यू करते हैं, सॉन्ग्स रिव्यू करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइक थैंक्स बोला है, और लाइक एक खुशी का इजहार किया कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि पाकिस्तानी काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो मेरे ट्रेलर देखते हैं, मेरी मूवीज़ के सॉन्ग सुनते हैं, उनको रिव्यू करते हैं। सो यार मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शकीब खान जो हैं वो लाइक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के कोई रिव्यू भी देखते होंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था। बिकॉज़ इससे पहले काफ़ी देर से मैं करती रही हूँ, लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दिया करना, ठीक है। और अभी मुझे कुछ दिन से काफ़ी देर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि आप तूफ़ान मूवी का ट्रेलर देखें, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि मैं तूफ़ान मूवी का भी ट्रेलर देखूं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा शकीब ने जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का नाम लिया है और उनको स्पेशल थैंक्स बोला है, और खुशी हुई है उनको, और पाकिस्तान का नाम सुन के, और पाकिस्तान का विज़िट भी वो बहुत जल्दी करेंगे। लेट्स सी आगे वो पाकिस्तान को लेके कुछ प्लान करते हैं या नहीं करते, कोई मूवी पाकिस्तान आती है बांग्लादेश की या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में यार अगर पंजाबी मूवीज़ रिलीज़ हो सकती हैं, ठीक है, अगर लाइक काफ़ी सारी अदर्स मूवीज़ रिलीज़ हो सकती हैं तो बांग्लादेश की क्यों नहीं यार। बांग्लादेश की अगर अगर किसी को समझ नहीं आती तो सबटाइटल तो है ना, सबटाइटल देख के कोई भी मूवी देख सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है यार, पाकिस्तान में मूवी आती है या नहीं, कब आती है, शकीब कब आते हैं, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, शेयर करें। स्पेशली यहाँ पे यार मैं एक चीज़ मिस कर गई हूँ कि इनको ये फर्स्ट बांग्लादेशी एक्टर हैं जिनको दुबई का ये गोल्डन वीज़ा मिला है। सो इनको स्पेशली मैं कहूँगी
वेरी 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 कॉन्ग्रेट्स और बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि इनको दुबई पे गोल्डन वीज़ा मिला है। तो बहुत बहुत ज़्यादा एक ख़ास चीज़ है यार सीरियसली, तो इसको लेके भी यार ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वेल आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं, वीडियो को लाइक और आप लोगों ने शेयर लाजमी करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा दूर तक जा सके और शकीब और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा बिल्ड हो सके। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।